हमारे साथ खेलने आ रहे हैं बंटी और बबली, नहीं नील एंड निकी, नहीं वीर जारा, नहीं बल्कि ओमर और माया। कौन है ये ओमर? ये वो हैं जिनके बारे में मुझसे कैटरीना ने अक्सर कहा है कि सलमान आई लव हिम, नील इज अ गाय। गाय मतलब के गाय, गाय, लेकिन वो गाय गाय नहीं, गाय मतलब के गाय, सज्जन पुरुष है, सज्जन पुरुष। वेलकम गाय, प्लीज वेलकम नील नितिन मुकेश। नील, आपके डैडी का नाम क्या है? नितिन मुकेश। और आपके डैडी के डैडी का नाम क्या है? मुकेश। आपको क्या ये पता है कि आपके जो डैडी के डैडी हैं जी, वो पहले एक्टर बनने आए थे जी? कोशिश की थी उन्होंने, कोशिश की थी उन्होंने। कितनी पिक्चरें उन्होंने की जी? दो फिल्में की थी। आपने कितनी फिल्में की हैं अभी तक जी? पांच फिल्में की हैं। पांच पिक्चर, तालियां, पांच पिक्चर। दादाजी का रिकॉर्ड ब्रेक किया इन्होंने। ये जो हमने गाना सुना, ये मैंने पहली बार सुना, ये गाना कहाँ का है? ये मेरी आने वाली फिल्म न्यूयॉर्क का गाना है। न्यूयॉर्क का गाना है जी? ये न्यूयॉर्क में ही बजेगा या पूरे हिंदुस्तान में बजेगा? नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बजेगा। आपके साथ इस पिक्चर में है कौन कौन? मेरे साथ इस फिल्म में कैटरीना कैफ जी हैं। कहाँ है? कहाँ वो कहाँ है? आप अगर बुला सकते हैं तो। नहीं, आप ही बुलाइए यार, प्लीज। मैं कैटरीना कैफ को तो बुला सकता हूँ, लेकिन माया को बुलाने का कोई अधिकार नहीं है मुझे। नहीं, वो अधिकार भी आप ही को है। ठीक है, तो प्लीज वेलकम माया फ्रॉम न्यूयॉर्क, कैटरीना कैफ ओरिजिनली फ्रॉम कश्मीर एंड देन लंदन एंड देन इंडिया। आप मुझे एक बात बताएं कि आप यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई हैं? Sure, जी। ये तो आप बाहर भी कर सकती हैं, घर पे भी आ सकती हैं, तो आपको ये दस का दम का मंच ही क्यों? आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे आके मुझे सलमान से मिलना है? Actually, I wanted you to meet Neil. You wanted to meet Neil? Katrina, what are you doing here? So you're playing Maya in this film? जी। ये न्यूयॉर्क जो आपने पिक्चर ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के की होगी, क्योंकि जो आप आजकल पिक्चरें करती हैं, ये करती हैं तो बहुत बहुत दिमाग लगा के, बहुत सोच समझ के पिक्चरें करती हैं। आपको इस पिक्चर में ऐसा क्या लगा, क्यों किया आपने ये किरदार? Well, the honest reason is, सच्चाई है, thank you for the translation, which a lot of people don't know. वो जो ज़्यादा करके लोगों को पता नहीं। कि मैं हिंदी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं बोलूँगी सिर्फ पर्दे पर। थैंक यू। ये हिंदी में आऊँ वैसे में। I did this film क्योंकि मैंने पिक्चर इसलिए की क्योंकि सलमान ने मुझे कहा, क्योंकि सलमान ने मुझे कहा था करने। ये लो, अगर पिक्चर चली तो ये तो मैं दस कदम के शो में ऐसे ही कह दिया था, अगर पिटी तो मुझे सलमान ने मरवाया है। तो आप यहाँ पे बेशर्मों की तरह पिक्चर प्रमोट करने आए, मुझसे नहीं मिलने आए, हाँ? और डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि हाँ, हम तो ऐसे ही, हम तो आए पिक्चर प्रमोट करने। मैंने कुछ नहीं बोला। Sorry. मैं मिलना चाहता था, मगर आप मिलना चाहते थे। और बाय द वे, आज मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, और आज कैटरीना जी और नील जी खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए। 10 का ये है क्लॉरमिन नॉकआउट राउंड। गौर से सुनना, दोबारा मत पूछना। आपको इन्हें नॉकआउट करना है और आपको इन्हें नॉकआउट करना है। आपसे पूछे जाएंगे
पांच सवाल, सिर्फ पांच सवाल, उनके जो जवाब हैं हमारे इस LG LCD TV में छुपे हुए हैं। So let's play the Clormint knockout round. प्रश्न नंबर एक, that means one. कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को अपने से लंबी लड़की से शादी करने में कोई एतराज नहीं होगा? ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। यार मेरा दुर्भाग्य है कि जो जो लड़कियां मेरी जिंदगी में आई थी बहुत अरसे पहले, वो सब मेरे से नाटी थी और आज का भी सेम मामला है क्योंकि हमारा हाइट बहुत है। आपको क्या लगता है कि आपसे कोई लंबी है? कोई हो सकती है? बहुत सारी है। आपकी क्या हाइट है? 5'8" भाई झूठ बोलते हैं। लाओ मैजिक टेप, इधर ले आप मैजिक टेप, लाओ मैजिक टेप दो मुझे जल्दी। ये ईमानदारी का सच्चाई का खेल है, यहाँ पे कोई नहीं चलेगा। जब हमारी देश की आवाम इतने सारे सच जवाब देते हैं, ये अरे ये लो 5'11" 5'11.5" 5'11" What do you keep on saying that he's 5'11"? Stand still. 5'8.5" हाँ तो लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्यों होता है लड़कों को? नहीं, आजकल एक्चुअली वो जमाना बदल चुका है। आज फैशन है कि लड़का स्लाइटली छोटा हो और लड़की लंबी हो। अच्छा, क्योंकि देखा क्या पटा है बॉस। अरे हम भी ऐसा पटा देते हैं हमेशा। आप देखते हो ना वो जो किसिंग का जो पोस्चर होता है, हाँ, कि लड़की हमेशा यूं जाती, आजकल लड़के ऐसे जा रहे हैं। जी हाँ, तो 10 सेकंड शुरू थे आप। हाँ तो कटरीना जी ने लगाया 69% पे, नील ने लगाया 22% पे। आए देखे कि कितने सारे हिंदुस्तानी आवाम को इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस क्यों हैं। You won, yeah? Very one, very zero.